हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेशन सर्विस के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एंटरप्राइज सीए के बारे में बात किया था और स्टैंड अलोन सीए के बारे में बात किया था। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम एंटरप्राइज सीए को सेटअप करेंगे, उसके बाद हम स्टैंड अलोन सीए के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको भी सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आप एंटरप्राइज सीए को सेटअप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए कि भैया प्लान होना चाहिए कि क्या हम कैसे पीकेआई को हम कंफिगर कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और कितने सर्वर्स हमें सीए सर्वर्स चाहिए, ठीक है, और हम एचएसएम को यूज करने जा रहे हैं या नहीं यूज करने जा रहे हैं। एचएसएम क्या होता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एक हार्डवेयर बॉक्स होता है। अगर मैं इसकी फोटो अगर आपको दिखा दूँ तो ये होता है एचएसएम हमारा, ठीक है, हार्डवेयर बॉक्स होता है जिसमें कि हम अपनी कीज रखते हैं, ठीक है, अपनी कीज को सिक्योर रखते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है, ये एक कंपनी का है, ऐसा दूसरी भी कंपनी का आता होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का होता है, ये विदाउट ओएस होता है, तो हम इसको यूज करना है या नहीं करना है अकॉर्डिंगली हम ये प्लान करते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे एक CAPolicy.inf एक फाइल होती है, उसको हम उससे पहले मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमारी ये फाइल जनरली क्या होती है, जैसे मान लीजिए अगर आप इस फाइल को नहीं मॉडिफाई करते तो स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन हो जाता है। अगर इस फाइल को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं। इस फाइल में होता क्या है वो भी एक हम क्विक लुक देख लेते हैं। अगर आप इस फाइल को देखना चाहते हो तो ये इस टाइप की फाइल होती है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस टाइप की फाइल होती है हमारी, ठीक तो इसमें क्या होता है कि हमारा सिग्नेचर वर्जनिंग होती है, सिग्नेचर, ये कुछ डिटेल्स मेंशन होती है यहाँ पर, पॉलिसी स्टेटमेंट्स, ठीक है, हर एक कि एक मतलब है, मीनिंग है। जैसे पॉलिसीज हैं, ये हमारी लीगल पॉलिसी है, लिमिटेड पॉलिसीज, यूज पॉलिसीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना यूआरएल सेट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है, यहाँ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो www.conteshwar.com, ये माइक्रोसॉफ्ट का बाई डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। तो FTP भी देख सकते हो यहाँ पर, जहाँ से सर्टिफिकेट्स डाउनलोड होंगे, ठीक है। आप इसमें पॉलिसी भी सेट कर सकते हो कि सर्टिफिकेट कितने टाइम के लिए वैलिड है, या फिर आप स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो, जैसा कि मैं अभी इंस्टॉल करने वाला हूँ, मैं स्टैंडर्ड यूज करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पहले डिसाइड करनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि फिजिकल कंपोनेंट आप कौन सा यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, जिसको हम प्री रिक्विजिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक VM है कि जो डोमेन ज्वाइन है, और उस पे IP कॉन्फिग है, मतलब IP कॉन्फिगर है, ठीक है, IP कॉन्फिगर है विथ DNS, ठीक है। अब हमें क्या है, इंस्टॉलेशन के लिए हमें परमिशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो बाय डिफॉल्ट जो परमिशंस होती है वो इंटरप्राइज एडमिन, ठीक है, ग्रुप को होती है, और डोमेन एडमिन्स को होती है। अगर आप एक सिंगल डोमेन में हैं तो आप डोमेन एडमिन से भी काम चला सकते हो। अगर आप फॉरेस्ट में हो, जहाँ पे मल्टी डोमेन सिनेरियो हो, वहाँ पर आपको इंटरप्राइज एडमिन की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट हम क्या करेंगे कि जैसा कि मैंने बताया कि हम इन दोनों ग्रुप्स को यूज नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा भी है, हम डेलीगेट भी कर सकते हैं किसी अकाउंट को, ठीक है। तो डेलीगेशन का स्टेप्स इस वाले सिनेरियो में थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा डेलीगेशन के लिए कि हम कैसे उसको डेलीगेट कर सकते हैं। बट आप अगर आप डेलीगेट करना चाहते हो तो ये कमांड होती है जिसको आप पहले एक टेम्पलेट बनाओगे, ठीक है, उस टेम्पलेट में ये एक टेम्पलेट बना देगी उस सर्वर के ऊपर। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं अगर इसको रन करना चाहता हूँ, अगर मैं डेलीगेशन के थ्रू भी कर सकते हैं तो डेलीगेट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि, ठीक है, जैसे ये हमारा ISC खुला हुआ है, इसको मैं CMD कर देता हूँ, CMD, ठीक है, CMD आ गए हम, और ये कमांड आप रन करोगे, ठीक है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना पड़ेगा डेलीगेशन की अगर बात करें तो, एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये ग्रुप क्रिएट किया है, इस ग्रुप को मुझे परमिशन देनी पड़ेगी कि ये ग्रुप का जो भी मेंबर होगा वो इंटरप्राइज
और डोमेन एडमिन के बराबर के राइट्स उसको हो जाएंगे फॉर किसके लिए, सर्टिफिकेशन सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पावर सेल कमांड होती है, वो पावर सेल कमांड ये है, ठीक है, ये पावर सेल कमांड है, इसको आपको रन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है, आपको पावर सेल कमांड रन करने के बाद आपको एक ग्रुप है, यहाँ पर एडी में एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है सिस्टम्स, ओके, यूजर्स में एक ग्रुप आएगा सर्ट पब्लिकेशन, ठीक है, मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर परमिटेड टू पब्लिश सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको इस ग्रुप का मेंबर भी उस ग्रुप को बनाना पड़ेगा जो मैंने अभी क्रिएट किया था, ये वाला ग्रुप जो हमने अभी क्रिएट किया हुआ है, ये ग्रुप मैंने अभी क्रिएट किया हुआ है, तो इस ग्रुप को उसका मेंबर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके आप इसको परमिशंस दे सकते हो इंटरप्राइज की। चलिए हम एक बार करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट मैंने कॉपी कर लेता हूँ पहले, ये स्क्रिप्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको स्क्रिप्ट भी दे दूंगा ताकि आपको पता रहे डेलीगेशन करके हम कैसे राइट्स दे सकते हैं, ठीक है। और ये है मेरी इंस्टॉलेशन की, अब यहां पर मैं उस ग्रुप का नाम लिख दूंगा जो ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, मैंने ग्रुप उसी नाम से ही बनाया हुआ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अगर देखना चाहते हो सी ए इंस्टॉल ग्रुप, ठीक है। तो अब मैं अगर इंटर करूंगा, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को रन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको पावर सेल की क्लास में बताऊंगा कि कैसे हम स्क्रिप्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये तो माइक्रोसॉफ्ट की डेडिकेटेड स्क्रिप्ट है, आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस कमांड को मुझे रन करना पड़ेगा, जो कि कमांड है मेरी, ग्रुप का नाम है, यहाँ पर मैं ग्रुप का नाम कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कमांड हमारी रन हो गई, ठीक है, ये कमांड हमारी, ये इस ग्रुप का नाम पूछा इसने, इस कमांड ने ग्रुप को राइट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आउटपुट आया है, ठीक है। तो इस ग्रुप को परमिशन मिल गई, अब हमें इस ग्रुप को कहाँ ऐड करना है, पर्टिकुलर इस यूजर में जाके सर्टिफिकेट में इसका सिक्योरिटी पे जाके एडमिनिस्ट्रेटर्स में, यहाँ पर हमें इस ग्रुप को ऐड करना है, ठीक है। इसमें हमें राइट परमिशन देनी है ताकि ये ग्रुप मॉडिफाई कर सके, राइट ऑल प्रॉपर्टीज, ठीक है, राइट ऑल प्रॉपर्टीज, और इसको ओके कर देना है, ठीक है। तो अब इस ग्रुप के पास पूरी की पूरी परमिशंस आ गई हैं, अब ये किसी भी सर्टिफिकेट को बना सकता है, मतलब सर्टिफिकेट सर्वर को इंस्टॉल कर सकता है। तो मैं यहाँ पर एक यूजर इंस्टॉल यूजर बना लेता हूँ, मान लीजिए यूजर 100 ही ले लेता हूँ, ये अभी किसी का मेंबर नहीं है, मैं इसको मेंबर बना देता हूँ यूजर को, ठीक है। अब इस यूजर के थ्रू भी हम सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, आप उस यूजर के लीजिए जिसके पास इंटरप्राइज एडमिन राइट्स हैं, ठीक है, वो सबसे सिंपल है, बट आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं दोनों तरीके, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो मेरी लैब है, इस लैब में मैं क्या करने जा रहा हूँ, ADCS का रोल अपने किस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर मेरा ADDS का रोल है, ठीक है, उसके ऊपर मैं ADCS का रोल इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। जबकि अगर आप प्रोडक्शन में करने जा रहे हो तो ADCS सर्वर हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, बट यहाँ मैं लैब में कर रहा हूँ तो हम उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे सिर्फ सिंगल यहाँ पर ऐसे क्लिक करना होगा, ठीक है, और नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शंस को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सीए सर्वर। सीए सर्वर हमें जो पहला सर्वर बनाएंगे हम, वो कौन सा होगा, हमारा रूट सीए, बट उसके ऊपर कौन सा रूल डालना पड़ेगा, कंपोनेंट डालना पड़ेगा, रूल
सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है, तो ये हमें क्लिक करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर जो मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट को मैनेज करता है, सर्टिफिकेट इश्यू करता है, सारी चीजें वही करता है। दूसरा क्या है, सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब सर्विस, इसको हम अपने डॉक्यूमेंट पे समझते हैं, जो पीपीटी मैंने बनाई हुई है, ठीक है, उस पे समझते हैं। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन रिस्पॉन्डर, ठीक है, ऑनलाइन रिस्पॉन्डर का काम क्या होता है दोस्तों, कि मान लीजिए इस सर्वर ने सर्टिफिकेट को इश्यू कर दिया, ठीक है, इस वाले डायग्राम से हम समझते हैं ऑनलाइन रिस्पॉन्डर का काम क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा वेब सर्वर है, सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट वेब सर्वर, ठीक है, सर्टिफिकेट वेब सर्वर, और ये मान लीजिए सर्टिफिकेट इसने सर्टिफिकेट सर्वर इसके थ्रू इसको दे दिया, ठीक है। अब ये हो सकता है बाई चांस ये सर्टिफिकेट हमारा रॉन्ग हो, ठीक है, इस कंप्यूटर को दूसरा सर्टिफिकेट चाहिए था बट इसको करेक्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो ये कौन वैलिड करेगा, ये वैलिडेट करेगा ऑनलाइन रिस्पॉन्डर, ठीक है। ऑनलाइन रिस्पॉन्डर का काम क्या करता है, वो सारे के सारे नेटवर्क में जिन जिन को सर्टिफिकेट क्लाइंट मशीन या सर्वर्स जिनको भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है उनको वो ये वैलिडेट करेगा कि भैया तुम्हारा सर्टिफिकेट करेक्ट है या रॉन्ग है, या तुम्हारा सर्टिफिकेट जो है एक्सपायर होने वाला है, सारा वैलिडेशन का काम ये करेगा, ठीक है। तो इससे फायदा क्या है कि हर मशीन हमारी डायरेक्टली सीए सर्वर से कांटेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट क्या आता है कि नेटवर्क डिवाइस एनरोलमेंट सर्विसेज, ठीक है। नेटवर्क डिवाइस एनरोलमेंट सर्विसेज का दोस्तों काम क्या है कि मान लो कि बहुत सारी जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये डोमेन की बात बताई, यहाँ पर मान लीजिए एक स्विच है, ठीक है, ये एक स्विच है या एक राउटर है, ठीक है, राउटर है या लिनक्स मशीन है, ये हमारी डोमेन में तो आ नहीं सकती, ठीक है। इन मशीन्स को, इन नेटवर्क डिवाइसेस को, इन नेटवर्क डिवाइसेस को लिनक्स और स्विच, सॉरी स्विच और राउटर्स को जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगी वो हमारी कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेगी, कौन सा रोल प्रोवाइड करेगा, नेटवर्क डिवाइस एनरोलमेंट सर्विसेस, ठीक है। अब वेब एनरोलमेंट, ये जस्ट लाइक वेब एनरोलमेंट का मतलब क्या हुआ, ये आईएएस सर्विस जैसा काम करती है कि एक, जैसा मैंने आपको एक सीए टेम्पलेट में दिखाया था, एक यूआरएल, ठीक है, तो ये यूआरएल, जैसे यहाँ पर एक यूआरएल लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस सर्टिफिकेट को एनरोल करने के लिए आईएएस की सर्विसेज की जरूरत पड़ जाती है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज की जरूरत पड़ जाती है। तो ये वेब एनरोलमेंट का काम यही होता है, वेब सर्विसेज का काम यही होता है, सर्टिफिकेट एनरोलमेंट, वेब सर्विसेज और पॉलिसी, ये तीनों का काम यही होता है, ठीक है, कि जो भी हमारा सर्टिफिकेट थ्रू दी एचटीटीपी आएगा उसको ये एनरोल करेंगी, ठीक है, करेक्ट। तो अब आपको ये तीनों सारे कंपोनेंट समझ में आ गए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर अभी हम लेते हैं, ठीक है, और इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी हम क्या बना रहे हैं, इसमें सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर, ठीक है, फिर बाद में हम चल के हम इन ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल करने में, तो दोस्तों देख रहे हो आप, ये चीज इंस्टॉल हो गई, हमारा रोल कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमें इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कॉन्फ़िगर एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज ऑन डेस्टिनेशन सर्वर, तो आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। अभी कौन है, पीयूष के पास है, और यहाँ पर हमें कौन सा सर्वर सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है, क्योंकि हमने पहले सेलेक्ट किया था सर्टिफिकेट अथॉरिटी, हमें इसको सीए रूट सीए सर्वर बनाना है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंटरप्राइज सीए और स्टैंड अलोन सीए। तो स्टैंड अलोन सीए मैंने आपको बताया कि जो डोमेन में, जो कि हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट नहीं होता है, वो स्टैंड अलोन सीए होता है, जो कि हमारा मेंबर होता है, डोमेन मेंबर, उसको हम इंटरप्राइज सीए बोलते हैं। यहाँ पर हम इंटरप्राइज सीए लेंगे और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या है, दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, क्रिएट अ न्यू प्राइवेट की एंड एग्जिस्टिंग प्राइवेट की। एग्जिस्टिंग प्राइवेट की उनके लिए होती है, मान लीजिए आपको रिकवरी करना है, आपका इंफ्रा था पहले, आपके पास की है कहीं पे, आपने डाल रखी है, क्री एचएसएम पे डाल रखी है, या कहीं पे आपने की को सिक्योर करके रखा हुआ है, आपको रिकवर करना है पूरा इंफ्रा, तो आप इसको यूज करके कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग की है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू की क्रिएट करेंगे। बाई डिफॉल्ट जो यहाँ पर आप देख रहे हो, सेलेक्ट द क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइडर, यहाँ पे बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जो क्रिप्टोग्राफी
क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड करते हैं। क्रिप्टोग्राफी के थ्रू हैश क्रिएट होता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक अल्गोरिदम होती है जिसके थ्रू हम हैशेस क्रिएट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो आ रही है वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडर वाला हम यूज करेंगे, और लेंथ जो ना 2048, ये जो है आपकी डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपकी डिवाइस कितना सपोर्ट कर सकती है। बाय डिफॉल्ट 2048 ही सपोर्ट करती हैं। आप इसको मैक्सिमम, अगर इससे ज्यादा ऊपर अगर आप लेना चाहते हो, ठीक है, तो 4096 आता है। बट सब उससे पहले आप ये देख लेना कि आपकी डिवाइस उस पब्लिक की को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर SHA 256 आ रहा है, बाय डिफॉल्ट मैं इसी को ले लेता हूँ और नेक्स्ट वाला हूँ। अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू इंटरक्शन व्हेन द प्राइवेट की इज एक्सीडेड बाय द सीए, मैं डिफॉल्ट ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप उसका नाम दे सकते हो, ठीक है, इसका नाम जो है ये बाय डिफॉल्ट उठाया है, बट आप ये मेक श्योर करना कि ये नाम आप जो ना वापस दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग नाम देना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश नेम आप ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं। अब यहाँ पर है सिलेक्ट द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द सर्टिफिकेट जनरेट बाय द सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए इसने किसी को सर्टिफिकेट दिया, ठीक है, किसी को सर्टिफिकेट दिया, ठीक है, वो कितने साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। आप यहाँ पर ये सेट कर सकते हो, आप 20 साल के लिए भी सेट कर सकते हो, ठीक है। बट ये आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए रूट सीए जो है ना सब ऑर्डिनेट सर्वर्स को भी सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, तो आपको ये प्लानिंग करनी पड़ेगी। रूट सीए का सर्टिफिकेट अगर सब ऑर्डिनेट सर्वर को 5 साल के लिए मिला है, ठीक है, तो सब ऑर्डिनेट किसी को 10 साल का सर्टिफिकेट ना दे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लंबा सर्टिफिकेट वैलिड हो वो रूट सीए का हो, तो आप रूट सीए के सर्टिफिकेट को मैक्सिमम टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। अभी तो हम यहाँ पर डिफॉल्ट ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ द वैलिडिटी कन्फिगर फॉर द रूट सीए शुड बी एक्सीडेड, ठीक है, वैलिडिटी पीरियड ऑफ द सर्टिफिकेट इट विल बी इश्यू। ये डेटाबेस की लोकेशन है, ठीक है, और यहाँ पर हम कंफर्म करते हैं। डेटाबेस की लोकेशन है, इसको हम बाद में करके देखेंगे कि डेटाबेस में क्या क्या है, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं और क्लोज करते हैं। तो ये हमारा सीए सर्वर कन्फिगर हो गया है, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के लिए क्या है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे, टूल्स पे जाके सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, यहाँ पर आप देखिए सर्टिफिकेट ये इनरोल हो गया है, ठीक है। अभी ये सर्टिफिकेट हो गया है हमारा, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि डोमेन कंट्रोलर पे LDAP एक टूल होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम LDAP पे आते हैं। NDAP, ठीक है, LDAP टूल पे आते हैं और LDAP से हम अपनी एक्टिव डायरेक्टरी को कनेक्ट करते हैं। मैं आपको सर्टिफिकेट की बेनिफिट्स दिखाना चाहता हूँ। ये है हमारा डोमेन कंट्रोलर जिसके ऊपर मैं अभी लॉग इन हूँ, ठीक है। LDAP से हम कनेक्ट करने जा रहे हैं LDAP के थ्रू, ठीक है। LDAP पे हम यूज करने जा रहे हैं, अगर हमें वैलिडेट करना है कि इस सर्वर के ऊपर सर्टिफिकेट है या नहीं, तो LDAP सबसे अच्छा तरीका है थ्रू वैलिडेट करने के लिए। उसके लिए क्या, आपको यहाँ पर कनेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और ये सर्वर का नाम, इस सर्वर का सेल्फ सर्वर का नाम लिख के आ रहा है, और आपको यहाँ पर SSL पे क्लिक करना पड़ेगा। हमें सिक्योर कनेक्शन देखना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे कैन नॉट बी ओपन कनेक्शन बिकॉज इसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। अभी अगर आप यहाँ पर इशूड सर्टिफिकेट में देखोगे तो इस डोमेन कंट्रोलर के पास सर्टिफिकेट नहीं है। अगर हम इस डोमेन कंट्रोलर को सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो दो तरीके हैं, मैंने आपको बताया था, एक ऑटो एनरोलमेंट पॉलिसी के थ्रू और दूसरा है मैनुअल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पहले मैनुअल दे देते हैं सर्टिफिकेट। उसके लिए आप क्या क्या करोगे, यहाँ पर सर्टिफिकेट पे आओगे, ठीक है, कंप्यूटर्स पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे और इसको ओके करोगे। ये हमने MMC खोला है, MMC खोलने के लिए आपको यहाँ पर MMC लिखना पड़ेगा और हिट करोगे, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर जब सर्टिफिकेट आ जाएगा तो
तो यहाँ पर आपको इनरोल करना पड़ेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पर्सनल सर्टिफिकेट पे जाना है। तो इस डीसी का इसने सर्टिफिकेट अलाउ कर दिया है इसको, ठीक है, DC01। अगर हम इसको सर्वर को 7.5, ओके, ये मेरा पुराना वाला सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है जो मैंने इससे पहले, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये कब का सर्टिफिकेट है, हाँ ये हमारा अभी सर्टिफिकेट इसको असाइन हुआ है 7.7, ठीक है, आप देख रहे हो 7.7 2028 के लिए असाइन हो गया है, ठीक है। और अभी इस डीसी के नाम से खुद का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कैसे आप कर सकते हो, न्यू रिक्वेस्ट फॉर द सर्टिफिकेट, नेक्स्ट करोगे, ठीक है, नेक्स्ट करोगे और नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर आपको जो भी सर्टिफिकेट चाहिए, डोमेन कंट्रोलर का सर्टिफिकेट चाहिए, ऑथेंटिकेशन का चाहिए, कर्बरोस का चाहिए, ठीक है, मुझे ये सारे सर्टिफिकेट चाहिए और फिनिश कर दो। तो ये इसके पास सर्टिफिकेट आ गया है। अब अगर हम एलडेप के ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई कर अब अगर दोस्तों हम एलडेप के ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करते हैं, तो उसके लिए आपको पहले एलडेप ओपन करना पड़ेगा, एलडीपी, ठीक है। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी ऐसे ओपन कर सकते हो, रन से एलडीपी, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको 3269 पोर्ट डालना पड़ेगा फॉर SSL के लिए, ठीक है। SSL का जो LDAP पोर्ट होता है वो 3269 होता है। जैसे ही आप डालोगे यहाँ पर देखिए ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो LDAP भी हमारा चल रहा है, मतलब वेरीफाई हो गया जो कि जो SSL पोर्ट्स होते हैं जनरली जनरली के हमेशा विदाउट सर्टिफिकेशन वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई वेबसाइट खोलते हैं google.com, ठीक है, google.com जब आप वेबसाइट खोलते हो तो वहां पर एक मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था एस लिख के आ जाता है, https, एस का मतलब हो जाता है वो सर्टिफिकेट के लिए होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट दिस ओवर अ सिक्योर कनेक्शन, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर देखिए HTTP लिखा है, ये S आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि Google के पास वो सर्टिफिकेट है और इस जो ब्राउजर है हमारा इसके पास भी सर्टिफिकेट है, तो दोनों मैच होंगे तभी google.com सिक्योर ओपन होगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम सर्टिफिकेट को कहाँ कहाँ पे डाल सकते हैं, कहाँ कहाँ से रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं और ऑटो एनरोलमेंट भी कैसे करेंगे, वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है।